तो कैसे आप ही गेम गैंग, स्वागत तुम सभी का एक और ब्रांड न्यू PUBG Mobile हिंदी वाली गेम प्ले वीडियो में। काफी समय बाद स्टेडियम जा रहा हूँ। ऑल पे तो चैलेंज दे ही रखा था और एक स्क्वाड आ ही रही है, मतलब चैलेंज का कुछ तो फायदा हुआ ही है। और एक और जो बंदा अभी दिखा ना तुमको साइड में, वो दरअसल सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था। तो पहले तो जो स्क्वाड आई है उसको निपटाते हैं। Wait, बाहर बंदा जिसने मुझे बहुत मारने की कोशिश की। अब यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज था, क्योंकि जो फुटस्टेप आ रहे थे ना उनको मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। मेरे को लग रहा था कि सेकंड फ्लोर पे बंदे होंगे, लेकिन यहाँ पर ही बंदे नहीं थे। बंदे दरअसल छत के ऊपर टहल रहे थे इधर से उधर। अब जैसा कि तुम सभी को याद होगा, मेरे टीममेट ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ बाहर साइड बंदे हैं, तो मैंने बाहर साइड भी जांच मार लिया, लेकिन बंदे इधर भी नहीं मिले। अब देखो सारे के सारे बंदे एक ही जगह पर घुसे पड़े हैं। और भाई इनके लास्ट टीममेट के तो क्या ही कहने हैं, मतलब एंड मौके पे इनका नेट चला जाता है या तो क्या हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक जगह पर ये स्टेबल खड़े थे और हमने जाकर इनको बजा दिया। गाइज ये समय हमारे अटेंडेंस लेगा, तो चलो कमेंट सेक्शन में अपने अपने अटेंडेंस डाल देना तुम सभी लोग। अब तुमको याद होगा एक बंदा यहाँ पर सोलो वर्सेस स्क्वाड वाला उतरा था, मुझे जस्ट वो ऊपर से कूदते हुए दिख चुका था और वो बंदा स्विमिंग पूल में जाकर घुसा हुआ, और वो क्या ही भागता है तुम खुद देखो। नीचे भाई साहब हमारे क्या भाग रहे थे, नहीं मतलब एकदम फ्लैश बन के, बट यहाँ पर भी हमने थोड़ा दिमाग लगाया भाई, स्टेडियम का कोना कोना हमको पता है। तो भाई साहब जब तक यहाँ तक पहुँचे उनको लगा हम उनके पीछे होंगे, लेकिन नहीं, हमने उनको दबोच लिया। अब यहाँ पर देखो किस चीज़ की कमी रहेगी इस गेम प्ले में, बस एक बॉट चचा की, तो वो भी पधार ही चुके हैं यहाँ पे। हाँ तो फिर स्टेडियम को टाटा बाय बाय करने के बाद मैं अपनी सस्ती लैम्बर्गिनी लेने आया था यहाँ पर, लेकिन इतने मुझे दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखती है, मुझे लगा कि पूरी पूरी स्क्वाड होगी। लिटरली क्या भरा इस बंदे को, एक से दो HP का ही बचा होगा सिर्फ। हमने सोचा गाड़ी लगाया जाए इसके पीछे, थोड़ा ही आगे जाते हैं, लेकिन इतने में एक और बंदा दिखता है हमको, तो इस गाड़ी को छोड़ते हैं और इस बंदे को बचाते हैं। उसका मुहूर्त देख रहे हो, एक तो मुझे इस गेम में समझ में नहीं आ रहा था बंदे कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्यों छुप जा रहे थे, मतलब एक जगह पर छुप गए तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। अब मैं रोटेट मार के जा रहा हूँ, लेकिन भाई साहब वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर फुट स्टेप आते हैं मेरे को, तो मेरे को लगा इसका टीममेट आ रहा होगा। ये तो सज्जन भाई साहब निकलते हैं। अब यहाँ पर दो और सज्जन भाई साहब हमको दिखते हैं, तो हमने सोचा छोड़ो यार, क्यों सज्जन पुरुषों के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाता है, हमने ये काम अपने टीममेट को सौंप दिया। रेन से जो है ना हमको शॉटगन चलने का साउंड आया था, और वो भी कौन से शॉटगन, S12 के। तो इस घर में दो बंदे घुसे पड़े, जिनमें से एक बंदे के हाथ में S12 के है, तो थोड़ा सा मामला रिस्की हो सकता है और काफ़ी इंटेंस सिचुएशन के साथ इन लोगों को बजाया जाएगा। फिलहाल मैंने एक नेट ट्राई किया यहाँ पे, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता सिवाय हल्के से डैमेज के। भागो भागो डीजे भागो, जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाओ, सबसे दूर भागो। वो आ रहा है इस घर में मेरे वाले में, वो नीचे खो गया।
और भाई हर गेम प्ले में तो एस्ट्रल के वालों से बिल्कुल भी नहीं पिटूंगा। अगर तुमको नहीं पता हो तो कल वाली वीडियो में देख लेना, उसमें भी मैं पहले गेम प्ले में एस्ट्रल के वालों से पिटा था, वो भी बहुत बुरी तरह से। और ये बंदा भी कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होकर ही यहाँ पर आया था एस्ट्रल के लेकर, लेकिन फाइनली इसको बजा दिया गया। अब जल्दी से रिवाइव देते हैं अपने टीम मेट को, क्योंकि सामने की तरफ और भी एक स्क्वाड है। क्या बताऊं गाइस, मैं ऐसे ऐसे कैंपर होते हैं ना, लिटरली घर के छत के ऊपर जाके बैठा हुआ था ये गिली सूट वाला। अब यहाँ पर रिवाइव लेते हैं और इतने मेरे को गाड़ी का साउंड आता है, क्योंकि इनका लास्ट टीममेट जो रहता है ना वो एमके लेकर यहाँ पर पधार चुका था। बट उससे पहले मैं रिवाइव हो जाता हूँ। बाय बाय। और ये धीरज भाई साहब पता नहीं यहाँ पर क्या ही कर रहे हैं, आए थे एकदम से गेट खोलकर एंगल देकर यहाँ पर रिवाइव दे रहे थे, और इसी एंगल में मेरे को इनकी पेटी भी दिख रही थी, तो इनको बजा दिया गया। और इनकी पेटियों में से MK-14 मिल जाता है, द मॉन्स्टर गन। MK पड़ी है इसमें, ले लो। हाँ तो भैया मॉन्स्टर गन उठा लिया यहाँ पर MK-14। अब देखो मेरे को ऊपर की साइड एक बंदा दिखा था, तो हमने भी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाया, गाड़ी उल्टी करके चढ़ा रहे हैं, और बंदा आई थिंक तुमको भी दिख गया होगा, स्पॉट हो ही गया होगा। तो चलो चलते हैं और बजाते हैं इसको यहीं पर। भाई लिटरली यहाँ पर हद हो गई यार, उस बंदे ने देखो कितनी सी एचपी छोड़ी है मेरी, मतलब जो वो चला रहा है वो एमके के बराबर, और जो हम चला रहे हैं वो भाई नॉर्मल गन के बराबर है। क्या मजाक चल रहा है। अब एक बंदा मेरे को ओपन में दिखता है नीचे की तरफ। अब जरा इस रेड डॉट स्प्रे के लिए भैया लाइक कर दो तुम वीडियो को, अगर अभी तक नहीं किया तुमने तो। देखो एक वहां है, हेलो, एक उस जगह पे है। और अब फाइनली तुम जरा एलाइव फील देखो, सिर्फ एक ही बंदा एलाइव है हम लोगों को छोड़कर, तो हमने सोचा चलो इसके साथ थोड़ा सा फन किया जाए, मतलब मजे लिए जाए इस बंदे के। मैंने सोचा कि हाँ मैं नेट से ही मारूंगा इसको, क्वीन बोली थी पैन से मारेंगे, लेकिन नहीं भैया मारेंगे तो नेट से, मतलब नेट पकड़ के रखेंगे और दोनों एक साथ फटेंगे, तो चिकन डिनर अपने को ही मिलेगा। तो चलो चलते हैं और इसकी पेटी बनाकर करते हैं विनर विनर चिकन डिनर। ये तुम क्या तुम ये हो गया था।